बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी खैरियत से हैं। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये क्या देखने को मिल रहा है यूट्यूब पे, ये क्या हो रहा है हमारे पाकिस्तान में, ये क्या कुछ दिखाया जा रहा है। पहले तो हस्बैंड जाके जी यूपीटी करता है, यूरिन टेस्ट करता है, फिर खुद ही जाता है वाशरूम से, स्ट्रिप उठा के लाता है, शो करता है, सबको दुनिया को बताता है कि ये देखें जी मेरी मिसेस प्रेगनेंट है। उसके बाद जी फिर हॉस्पिटल जाते हैं, फिर अल्ट्रासाउंड का इशू बना देते हैं, अल्ट्रासाउंड, फिर जेंडर, फिर बेटा बेटी, फिर नाम सोच लेना। ये क्या हो रहा है, ये हमारे माशरे में ये चीज़ें, पहले ये सब कुछ नहीं था, अब ये लोग क्या दिखा रहे हैं, ये दुनिया को क्या दिखा रहे हैं, ये अपनी न्यू जनरेशन को क्या दिखा रहे हैं। इतनी बेइज्जती, बहुत दुख की बात है। मैं तो आज भी देख के परेशान हुई हूँ, ये सब कुछ क्या हो रहा है मीडिया पे, जो चीज़ें ढकी हुई होती थी वो ऐसे सामने कर रहे हैं जैसे कोई बात ही नहीं है। मारिया बिलाल से मैं स्पेशल बोलूँगी, प्लीज़ थोड़ा सा हौसला रखें, ये क्या कर रहे हैं आप अपनी रेपो दिन ब दिन ख़ुद डाउन करते जा रहे हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, आप दुनिया को क्या दिखा रहे हैं, आप अपनी आने वाली नस्लों को क्या दिखा रहे हैं। ये तो आप जब आगे ज़िंदगी में जाएंगे, अपनी वीडियोस देखेंगे, आपको ख़ुद पे शर्म आएगी कि आप लोगों ने कैसी कैसी हरकतें की हुई हैं। और आप लोगों की वीडियोस, आपको पता है कि फैमिलीज़ के साथ बैठ के देखने की नहीं होती। अपने व्लॉग्स को ऐसा बनाएं कि फैमिलीज़ के साथ बैठ के देखा जाए, आपका व्लॉग फैमिली के साथ बैठ के देखा जाए, ना कि हमें शर्मिंदगी महसूस हो और हम बच्चों के साथ बैठे हों, हम स्किप करें कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, फ़ौरन हटा दें आपके व्लॉग को। खुदारा ऐसी हरकतें ना करें जो आपकी आगे आने वाली नस्लों के लिए भी एक इबरतनाक सबक हो। आपको इस चीज़ का ख़ुद अंदाज़ा नहीं है कि ये चीज़ें बहुत गंद फैला रही हैं, गंदगी दिखा रहे हैं आप लोग। आज आप जी बच्चे की सरकमसीम फल्ला, अब आप लोगों को क्यों नहीं समझ आ रही, इन चीज़ों को क्यों बता रहे हैं, खतने करवा दिए, खतने करवा दिए। आपको नहीं पता हम मुस्लिम लोग हैं, हमारे साथ ये चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से, ये चीज़ें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। फिर हर चीज़ को शो करना कि उफ अल्लाह बच्चा ठीक नहीं हो रहा, बच्चे की स्वेलिंग हो गई है, ये चीज़ें मत बताएं। अगर ज़्यादा इशू है डॉक्टर के पास ले जाएं, लेकिन YT पे इस चीज़ को बता के आप क्या ज़ाहिर करना चाह रहे हैं, हर बच्चे के साथ ये चीज़ हो रही है। फिर ये चीज़ बताना कि ओहो क्यों स्वेलिंग होगी, रिंग बन गया, रिंग नहीं बनना था, ऐसे हो जाना था, ऐसे ठीक हो जाएगा। देखें ठीक है, सरकमसीजन होती है बच्चों की, ये हमारे इस्लाम में है, इसके बगैर हम लोग मुस्लिम नहीं होते। ठीक है, ये काफरों में ये चीज़ है कि वो नहीं करवाते, सरकमसीजन नहीं करते या जो भी है अपने बच्चों के साथ, लेकिन हमारी ये चीज़ है, हमारे इस्लाम में है, बेटा पैदा होगा तो उसके साथ ये चीज़ ज़रूरी है। लेकिन आप लोग इस चीज़ को क्यों इतना बेहूदा करके दिखा रहे हैं दुनिया को, कि छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हों तो वो भी सवाल करते हैं कि क्या कह रहे हैं मम्मा, ये क्या कह रही हैं, ये क्या हुआ है, हम लोग फैमिली के साथ आपका व्लॉग नहीं देख पा रहे हैं। तो मारिया बिलाल आपसे रिक्वेस्ट है, बेहूदगी फैलाना बंद करें, कुछ अच्छा दिखाएं अपने व्लॉग्स में, आपके बच्चे कल आपकी वीडियोस देख के आप पे थू थू ना करें कि हमारे माँ बाप ने ये क्या सिखाया हमें या मीडिया पर क्या दिखाया है। प्लीज़ खुदारा रिक्वेस्ट है। तो जी व्यूवर्स, जिस जिसने चैनल को लाइक नहीं किया लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और इनको अल्लाह हदायत दे, मैं यही इनको बोलूँगी, बाकी हमारी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है। अल्लाह हाफिज़।